वेलकम टू शिक्षाइज्म। बच्चे लोग, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ गिवन स्पीसीज। आज डिपेंडिंग अपॉन और यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स और नॉट। मतलब नीचे दिए गए कुछ रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स है या नहीं, ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5 justify the following reactions are redox reactions। इनको justify करना है मुझे कि ये reactions को redox reaction आप कह सकते हो। justification के लिए मुझे ये show करना होगा कि ये reaction के दौरान जो particular element है reactant और product में, उनके oxidation number या तो increase हो रहा है या तो decrease हो रहा है। और एक element का oxidation number increase होगा, दूसरे के सामने reduce मतलब decrease होगा, तो हम कह सकते हैं कि given reactions are redox reactions। से फॉर एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं पहले reaction से, जो CuO प्लस एच टू गिव सी यू और एच टू ओ है। मैं रिएक्शन को फिर से एक बार कॉपी कर लूंगा। सी यू प्लस सी यू ओ प्लस एच टू गिव्स Cu plus H2O। हमको justify करना है कि ये reactions जो है वो redox reaction है। इसके justification के लिए मैंने अभी जो oxidation number, previous lecture में oxidation number calculation आपको सिखाया हुआ है कि अगर CuO का oxidation number में find करना चाहता हूँ तो CuO में बहुत simple है कि oxygen जो भाई है हमारा oxygen भाई। In normal cases oxygen का oxidation state -2 होगा। Agreed or not? For oxygen only। कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल कब होगा? जब उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। अगर ये -2 है तो Cu जो बच गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना चाहिए। तो बच्चे लोग, यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्टेंट साइड इज -2 एंड फॉर कॉपर इट इज +2। करेक्ट और नॉट? कॉपर का +2 है और ऑक्सीजन का -2 होगा। सो आई टेक ऑक्सीजन एज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉपर +2। कोई भी कंपाउंड अपने अनकंबाइंड फॉर्म अनकंपाउंडेड फॉर्म में उसका जो एलिमेंट है मतलब हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर किए जाते हैं? जीरो। कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे थोड़ा टाइम पहले। कॉपर, यहां पर कॉपर अनकंपाउंडेड फॉर्म है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। H2O में वी नो दैट ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अगर H2O में ऑक्सीजन का -2 है तो हाइड्रोजन का +1 है, यह ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के बाद आप बहुत सिंपली कह सकते हो कि भाई कॉपर जो है ना वो +2 से जीरो हो रहा है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से जीरो हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो रहा है, मतलब ये हो रहा है इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो रिड्यूस हो रहा है। सो अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन को आप डेफिनेटली कह सकते हो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये तरीके से कोई भी गिवन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं वो डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि यस दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में, हमारे पास जो एग्जांपल्स है उसमें से। कि भाई मेरे पास Fe2O3 है, सेकंड रिएक्शन दिस वन, वो CO के साथ कंबाइन होके Fe और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। हमको जस्टिफाई करना है कि भाई ये रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेट्स सी, चेक इट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास Fe2O3 है, आई विल टेक Fe और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। मैं यहां पर ऑक्सीजन जो है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले रहा हूं। यू नो दैट इन नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज -2। अगर Fe2O3 है और मुझे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, शैल आई पुट 2x? दो Fe है मेरे पास, 2 Fe, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चे लोग? -2, एंड टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसीडर्ड एज 0। सो 2x, 3 टू जा -6 इज इक्वल टू 0, -6 गोस टू द अदर साइड, सो अल्टीमेटली 2x इज इक्वल टू +6 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू +3। हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 नाउ? फॉर Fe। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये रिएक्शन के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिएक्टेंट साइड +3 है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ फॉर Cu
सॉरी CO, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस टू एंड फॉर दिस बैलेंसिंग आई विल टेक ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू. अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ये तरीके से, ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में माइनस टू लेना है तो कार्बन का बड़ा केस में प्लस टू हो जाएगा. यहाँ पर Fe अनकंपाउंडेड एलिमेंटल फॉर्म में है. एलिमेंटल अनकंपाउंडेड फॉर्म मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe विल बी जीरो. नाउ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहां अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस टू ले रहा हूं, टू टू जा माइनस फोर इक्वल टू वो साइड जाएगा प्लस फोर. ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं कह सकता हूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर आएगा. अगर आपको कैलकुलेट करना तो ये तरीके से भी कर सकते हो. कार्बन को एक्स सपोज कर लो, एक्स प्लस टू टाइम्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू टू जा माइनस फोर इक्वल टू वो साइड प्लस फोर. सो ये ओवरऑल कैलकुलेशन भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर सकते हो. और कॉपर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर हो गया. अब आपको ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जो भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है. Fe चेक करो तो प्लस थ्री से जीरो. अरे बाप रे, Fe तो बेचारा रिड्यूस हो रहा है, प्लस थ्री से जीरो है. सो हियर रिडक्शन अकर्स फॉर Fe एंड हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जरा पता लगाओ तो कार्बन. बट ऑब्वियस है प्लस टू से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट पसेस कर रहा है. So increase in oxidation number of carbon indicates carbon gets oxidized, Fe gets reduced. अगर यहाँ पर oxidation और reduction दोनों simultaneous हो रहा है तो ये redox reaction है. So this example provides the redox reaction. This reaction provides the example of redox reaction. ये दो redox reaction हमने यहाँ पर complete है, जिसको balance कर लिया है. बाकी के आप check कर लो whether they are redox or not.